हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लेट्स वेट फॉर सम पीपल टू जॉइन, मोर पीपल टू जॉइन। सो आई एम अगेन विद अ लाइव सेशन हियर। I hope you watched my live sessions in the last ED sale that happened. I'm Neha Agarwal from The Crafty Flamingo. So you can visit my page for so many handmade products. Now the festivals are coming, so you can see the gift items that you can give to your loved ones, to your bhaiyas, to your bhabis. So you can check my page, The Crafty Flamingo. I'll share the link after the session gets over. Hi Nidhi, hi Bhakti. So let's wait few more to join in. So people are joining in. Hi Radhika, so because of this COVID thing, people are buying gift items and rakhis online because people are not able, will not be able to visit. Mostly the people will not be able to visit this time to their homes for this festival. But we have very, very good options. Not only me, there are so many options. People are, and yes, I have, I am displaying this rakhis as well, homemade rakhis, crochet rakhis, on this page as well as on my The Crafty Flamingo page as well, on the ED page, this sale page as well. So you can check out that also. Actually those rakhis are being made by my mother-in-law. She's very passionate about this, doing knitting and crochet. So this time she thought to, let's do something creative. घर पे देखती हैं कि मैं भी करती हूँ, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव। तो वो जो क्रोशे राखीज हैं जो आप पेज पर देख रहे हैं, दैट आर बीइंग मेड बाय माय मदर इन लॉ, सो टोटली होममेड। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइन, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। सो टुडे वी आर गोइंग टू, या निधि, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी अगेन to display my, this the handmade things that I make. Actually that is my passion. I started as a hobby, ki jab mujhe time mila maine tab kar liya, but then later on because I get into more and more into it, so fir maine isko dheere dheere professionally shuru karna. So I have just started doing it professionally, but I hope you are liking my products. I'll be posting more new products online in next two more days, Saturday and Sunday. And I'll be here at 4:30 every day for my live sessions. All right, so let's start. So we are going to make a tray. See, this is a wooden tray that I have. आधा मैंने काम कर दिया था, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम। सो हाफ ऑफ आउटर थिंग आई हैव डन, बट मैं आपको बताऊंगी कि अंदर कैसे करना है, ठीक है? सो आई हैव लेफ्ट दिस पार्ट जस्ट टू सेव टाइम। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप ऐसी कोई वुडन, बिकॉज ये तो मेरा रॉ है, यू कैन डू दिस वर्क ऑन अ प्लास्टिक, जो भी आपकी घर में कोई ओल्ड ट्रे रखी है, पुरानी ट्रे रखी है, आप उस पर भी ये कर सकते हैं। अ प्लास्टिक ट्रे विल ऑल्सो डू, प्लास्टिक ट्रे में भी आप कर सकते हैं। सो इफ इट इज अ वुडन ट्रे, और आपका जैसे मेरा तो ये रॉ एमडीएफ का ट्रे है, तो यू जस्ट यूज अ सैंड पेपर टू स्मूदन द एजेस।
सैंड पेपर होता है, आई हैव दिस सैंड पेपर हियर, आई हैव यूज दिस एंड आई हैव जस्ट रब्ड इट हियर एट द कॉर्नर्स, एजेस जो हैं जो थोड़ा स्मूथ हो जाएं, इसलिए मैंने इसको सैंड पेपर से अच्छे से कर दिया है, रब कर दिया है. सो दीज माई एजेस आर स्मूथ नाउ एंड देन लेटर ऑन प्लीज मेक श्योर लाइक यूजिंग दिस ब्रश एंड अ ब्रश जो भी थोड़ा सा कलर थोड़ा ओल्ड हो गया हो ब्रश, बिकॉज जो सैंड पेपर हम करते हैं तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन कॉर्नर्स में वो जो डस्ट निकलती है वुडन वो रह जाती है. सो मेक श्योर द ट्रे शुड बी क्लीन. सो जस्ट डूइंग लाइक दिस, सी अभी भी ये निकल रही है थोड़ी थोड़ी डस्ट. सो यू कैन टेक आउट यू नो फ्रॉम द एजेस दीज कॉर्नर्स द डस्ट सैंड पेपर से जो बनी होंगी एंड देन यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ विद द क्लॉथ लाइक दिस. सो दैट कोई डस्ट पार्टिकल्स ना रहें. सो वील बिगिन विद द बेस कोटिंग. आई एम यूजिंग अ कैमल आर्टिस्टिक जेसो हेयर टू गिव इट अ बेस सो दैट जो भी हम इस पर काम करें जो कलर्स हों वो अच्छे से उभर कर आए. बिकॉज होता क्या अगर हम कोई और कलर डायरेक्ट हम कलर्स इस पर यूज करेंगे, एक्रेलिक कलर्स, चॉक पेंट्स अगर आप यूज करते हैं तो बेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इफ यू आर यूजिंग एक्रेलिक कलर्स देन यू हैव टू गिव अ बेस बिकॉज इसमें जो कलर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो एक्चुअल कलर होता है वो अच्छे से नजर नहीं आता है. सो यू नीड टू फर्स्ट गिव इट अ बेस. सो दिस आर्टिस्टिक जेसो इज अ प्राइमर, अ काइंड ऑफ अ प्राइमर इन आर्ट एंड क्राफ्ट. जैसे हम वुडन हमारे डोर्स विंडोज होती हैं उसमें प्राइमर करवाते हैं ना, कारपेंटर करता है, इट इज द सेम थिंग. सो आई एम यूजिंग दिस आर्टिस्टिक जेसो. I will first use a brush. I'll take this one. I will first use a brush. ठीक है, फिर उसको मैं स्पॉन्ज से डैब करूंगी. बिकॉज ये बड़ा सर्फेस है, छोटा सर्फेस होता है, छोटा कोई प्रोडक्ट आइटम होता तो उस पर मैं डायरेक्ट डैब करती, बट नाउ बिकॉज इट्स अ बिगर सर्फेस तो आई विल फर्स्ट यूज अ ब्रश. ब्रशेस से स्ट्रोक्स आ जाते हैं विच डजंट लुक गुड. आप कोई पेंटिंग भी करते हैं तो ब्रश स्ट्रोक्स आते ही हैं. सो इन दैट केस आई यूज अ डैबर. आप नॉर्मल स्पॉन्ज जो होता है, एनी स्पॉन्ज मार्केट में मिल जाता है, वो भी यूज कर सकते हैं टू डू दिस वर्क. आई एम यूजिंग, आई हैव दिस स्पॉन्ज डैबर विद अ स्टिक. थोड़ा कन्वीनियंट होता है और हाथ भी गंदे नहीं होते, तो आई विल डू इट लाइक दिस सो दैट जो मेरे ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो हट जाए. इससे थोड़ा ग्रेन इफेक्ट भी आ जाता है, स्मूथ इफेक्ट आ जाता है. सो आई विल जस्ट डैब इट विद द स्पॉन्ज. हाय सोनाली, प्लीज आप थम्स अप देते रहिए सो दैट आई नो कि आप You are there and watching me. Now I will do the edges. Again, I will use a sponge dabber here. Just you know, जिससे कि ये जो strokes हैं, brush strokes, वो खत्म हो जाएं. I'll do all the edges here. इसीलिए मैंने, because it takes time to dry, because मैं इसमें दो coat करूँगी. एक तो gesso का किया है, but then yes, just to give a smooth finish, इसके ऊपर मैं acrylic करूँगी, white acrylic. So I will again dab it here.
Now I will do it here. ये आर्टिस्टिक जैसो किसी भी अच्छी स्टेशनरी में आराम से मिल जाता है एंड देर आर लॉट ऑफ यू नो ऑनलाइन वेबसाइट्स एज वेल जहाँ पे आपको ये आराम से मिल जाएगा. इट्स कॉमन नाउ, पहले नहीं मिला करता था. तो व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क आई यूज टू यूज दैट ओल्ड प्राइमर, बट यस उसमें मजा नहीं आता बिकॉज ऑब्वियसली दोज प्राइमर्स आर फॉर विंडोज एंड डोर्स. सो नाउ वी हैव दिस थिंग. हम ये एजेस को स्मूथ करेंगे. वील पेंट दिस एज वेल. बेस अच्छे से देना बहुत जरूरी है बिकॉज आप जो भी उस पर काम करेंगे अगर बेस अच्छा नहीं दिया है विद दिस थिंग विद दिस जेसो तो आपका कुछ भी अच्छे से नहीं होगा, कलर्स अच्छे से नहीं नजर आएंगे. ये जो हैंडल्स हैं इनको भी मैं अच्छे से करूंगी बिकॉज ये अंदर इट्स अ ब्राउन बेस तो अच्छे से नजर आए, कवर होना चाहिए वो. इट शुड नॉट बी विजिबल. सी दिस बेस इज विजिबल फ्रॉम हियर. ये नजर आ रहा है ना ब्राउन. थोड़ा सा हम अपसाइड डाउन भी कर लेंगे बिकॉज इधर भी है. वी हैव सी यू कैन सी यहाँ पे भी नीचे भी होते हैं. सो आई कवर ऑल द प्लेसेस. सो डन. नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई हेयर ड्रायर टू ड्राई इट, द बेस्ट ऑप्शन. वैसे तो हीटिंग टूल्स भी काफ़ी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं बट द मोस्ट इकोनॉमिकल बिकॉज हेयर ड्रायर तो सबके पास होता ही है. सो आई एम यूजिंग माई हेयर ड्रायर. सॉरी फॉर द नॉइस इट विल क्रिएट. हाय संगीता. कितनी जल्दी ड्राई हो गया. बट इसके ऊपर हम एक और कोट करेंगे विद माय वाइट एक्रेलिक कलर. आप चाहे तो बॉटल्स में जो आते हैं एक्रेलिक वो भी यूज करते हैं कर सकते हैं बट आई फॉर वाइट आई हैव दिस ट्यूब. थोड़ा बॉटल वाला जो है दैट वो थोड़ा सा थिक होता है, वो सॉरी थिन होता है, बट दिस जो ट्यूब में होता है दैट इज अ लिटिल थिक.
सो सी इट विल गिव अ प्योर वाइट इफेक्ट, इसलिए मैं वाइट यूज कर रही हूँ. डायरेक्ट करूंगी अगर मैं इसको तो अगेन मुझे ये जो वाइट एक्रेलिक, आप अगर आपके पास जेसो नहीं है और रॉ ट्रे है जैसे कि मेरे पास ये वुडन है, तो आप दो कोट्स इसके एक्रेलिक कलर के वाइट के आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू टू कोट्स. बट अगर जैसा मेरा ये वुडन है बिकॉज वो एब्जॉर्ब करेगा कलर्स को, तो उस पर आपको बेस देना ही पड़ेगा विद द जेसो. और अगर आप कोई घर में अपनी कोई पुरानी ट्रे को नया बनाना चाहते हैं विद दिस टेक्निक, तो बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ प्रिंट तो होगा ही, सो उसमें भी आपको जेसो यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज एक्रेलिक जो है वो उतना अच्छे से उसको कवर अप नहीं कर पाएगा. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज मैं पहले इसको बेस करूंगी एंड देन आई विल ड्राई इट. सी प्योर वाइट आ गया ना देसी, यहाँ पर हमने जेसो किया और इसमें कितना डिफरेंस है. सो वील ड्राई इट दिस वन फर्स्ट, फिर हम साइड्स में जाएंगे. हेलो भाभी. को अच्छे से सुखाना है बिकॉज दिस इज अ फाइनल कोट. अब मैं साइड्स में भी करूंगी बिकॉज दैट टू इज नेसेसरी. सी देयर इज अ डिफरेंस नो, हल्का हल्का बेस ये देखो. सो आई विल spread it. आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. अ नाइस बेस इज बीइंग क्रिएटेड नाउ.
बस थोड़ा बेस क्रिएट करने में टाइम ज़्यादा लगता है बिकॉज वी आर डूइंग टू कोट्स. आई विल यूज माई स्पॉन्ज डैबर सो दैट ब्रश स्ट्रोक्स में हटा दूँ. It is done. Let's dry it again. Then we'll start our work. Thanks, Preeti. बेस इज क्रिएटेड नाउ. अब हम सो दिस बेस इज क्रिएटेड सो अब इसको हम साइड में रख देते हैं. नाउ आई हैव दिस डिकोपाज नैपकिन. आई हैव सेलेक्टेड दिस टुडे. भावना वी आर मेकिंग अ ट्रे. वी आर जस्ट दिस आई हैव यूज्ड वुडन ट्रे. MDF का ट्रे था ये. तो इसको हमने बेस दिया है एंड वी आर यूजिंग अ डेकोपाज टेक्निक ऑन इट. सो अभी हमने सिर्फ जेसो यूज करके दिस इज अ जेसो बेस दिया है. इट्स अ प्राइमर. नाउ आई हैव सेलेक्टेड दिस टिश्यू फॉर माई वर्क टूडे बिकॉज हमने वाइट बेस दिया है. वाइट की जगह जैसा आप जो भी टिश्यू आप सेलेक्ट करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ डेकोपाज इज जो ये वाइट बेस है. जैसा आपका बेस होगा टिश्यू का बेस कलर तो जो भी जिस पर भी आप करते हैं वो बेस कलर सेम होना चाहिए सो दैट इट मर्जेज इन टू इट. अगर मैं ब्लैक के ऊपर वाइट टिश्यू पेपर यूज करूंगी और मेरा बेस ब्लैक है तो ये जो वाइट एजेस हैं ये सब नजर आएंगे. सो इट डजंट लुक गुड. तो बेस सेम कलर का होना चाहिए. सो आई एम यूजिंग अ ब्रश हेयर लिटिल वाटर. इसको निकालने का भी एक टेक्निक है. फर्स्ट आई विल जस्ट अ वेट ब्रश. बहुत स्मूथली निकल जाता है. जहां जहां पे आप वेट बिकॉज इट इज सो थिन पेपर जो है ये इतना पतला होता है. अभी मैं इसमें से इसको अलग कर रही हूँ. देन वी विल टेक आउट लेटर ऑन द एक्स्ट्रा एजेस. तो अभी हमने निकाल लिया. नाउ दिस एक्स्ट्रा जो पोर्शन है ये सब मैं निकालूंगी लाइक दिस. कितना आराम से निकल जाता है. और बिकॉज ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है सो आई वॉन्ट इट टू बी अ बिट इरेगुलर जैसा ये है ना. क्योंकि ज्यादातर जो ये स्ट्रेट लाइंस अगर ये जस्ट एकदम स्ट्रेट कट है तो ये फिर थोड़ा नजर आ जाता है. सो बेटर यू नो हल्का सा वो गीला किया.
आई हैव. सो दिस इज मेरा पेपर रेडी. अच्छा यहाँ पर भी रह गया. सो यहाँ पे भी हल्का हल्का सा हम इरेगुलर कॉर्नर्स एजेस देंगे. सो ये टिश्यू है रेडी हमारा. अब हम इसकी इसको पर हम पहले ड्राई करेंगे, बिकॉज ये जो हल्का हल्का कॉर्नर्स जो वेट हैं, तो इसको वी शुड मेक श्योर कि हम इसको पहले थोड़ा सुखा लें. बार बार जस्ट टू मेक थिंग्स यू नो जल्दी जल्दी हो जाए, सो वी यूज अ ड्रायर. अदरवाइज जब भी मैं रेगुलर अपना काम करती हूँ, आई नो गिव टाइम टू ड्राई माई थिंग्स. अगर मुझे जल्दी नहीं है टू ड्राई इट नेचुरली, बट बिकॉज हम लोग आज लाइव सेशन कर रहे हैं, तो वी नीड टू यूज अ ड्रायर. सो एजेस जो वेट हो गए थे, तो हमने इसको निकाल दिया है, ड्राई कर दिया है. सो इट हैज अप्लाई लेयर्स होती हैं. सो आई होप यू कैन सी दी लेयर्स. मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ आपको. I can see here. See, it has two layers. Ply कहते हैं हम इसको. One. बहुत आराम से इसको अलग करेंगे. And there is one more. See. So हमारा paper ये ready है. Now we are going to first paste this. I am thinking to paste it at the corner, not at the center. क्या कहते हो, सेंटर में करना चाहिए? I think हम कॉर्नर में करते हैं, because I am planning to put some flowers at the other end. So I am taking my glue brush. One more thing, मैंने last time भी बताया था, always keep your glue brush separate. With the colored brushes, glue brush के लिए कभी भी colored brushes नहीं use करने चाहिए. So that's what, because कई बार होता है ऐसा कि आप color किया आपने उसी brush से फिर glue लगा दिया, तो जो color अगर brush में रह गया तो it will come on your जो भी आपका design है उसमें आ जाएगा. So this is how we are going to place it. So I am using a Mod Podge here, matte finish Mod Podge. It's a decoupage glue. और market में ये भी आते हैं Mod Podge. I'll show you another one. This is Fevicryl Mod Podge. Fevicryl के तो सभी आजकल अच्छी stationeries में मिल जाता है. So you can use this also, but this is gloss. Fevicryl में matte नहीं आता है. So this is a gloss with a gloss effect, and this is with the matte effect. So I am using this. I'll make sure मैं अच्छे से इसको with a generous amount of, but बहुत मोटी layer नहीं होनी चाहिए glue की, क्योंकि जो paper है हमारा it is very thin, वो फट जाएगा. थोड़ा सा और सूखने के बाद ये नजर नहीं आता. अगर ये आपकी जैसे डिजाइन बीच में ही है और एक्स्ट्रा ग्लू लग गया है, आफ्टर ड्राइंग ये नजर नहीं आता है. सो दिस इज डन. सो हम धीरे धीरे इसको ग्लू ब्रश ही लेंगे. जिससे कि बबल्स ना आए, धीरे धीरे एक साथ करेंगे तो वो फोल्ड्स आ सकते हैं. सो स्लोली स्लोली
See, it got merged with it. And to make sure ki bubbles na rahe, I have taken a sponge and isko maine wet kar liya hai halka sa and bahut acche se nichod liya hai, bilkul acche se ki halka halka wet rahe. And then I will dab it so that jitni bhi bubbles agar isme reh gayi hain to wo sab nikal jaye. So I'll just dab it like this. So this is done. अब इसके ऊपर हम एक और लेयर just to seal it. I will put another layer of the same glue. इससे क्या होगा, कई बार जब हम लास्ट में वॉर्निश करते हैं इसके ऊपर तो बिकॉज वॉर्निश इज अ केमिकल तो एटलीस्ट इसके कलर्स पे रिएक्ट नहीं करता है. सो दैट्स व्हाई अपर लेयर में जरूर लगाती हूँ. एंड स्पेशली अगर आप नैपकिन यूज कर रहे हैं, डेकोपाज पेपर कर रहे हैं उसमें भी मैं लगाती हूँ, एंड अदरवाइज नैपकिन में तो लगाना ही पड़ता है. नाइस layer of this. Alright. So this is done. उसके बाद हम we are going, I am thinking to place some flowers at this corner. So I have selected another tissue. So I am thinking to take out this flower and paste it at this corner. So with the same technique I will just take out this flower from here. सी कितने अच्छे से सेंटर से निकल कर आ गया. हाउ नाइसली इट केम आउट. सो अभी जो एक्स्ट्रा वाइट एजेस हैं आई विल ट्राई टू यू नो टेक इट आउट. विद माय वेट ब्रश. बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए ब्रश में, नहीं तो वो एकदम से सारे में फैल जाएगा. एकदम ये पेपर एब्जॉर्ब करता है वाटर को. So I'll place it like this at one corner. I hope it is looking nice. Ah. Again I will take out the layers, जो उसमें layers हैं. See, I've taken out the layer and put it like this. I will again use my glue. अच्छे से इसको I will seal it. Over it I will put this glue again so that ये seal हो जाए अच्छे से.
राइट चलो दिस इज डन एंड देन अब मैं इसको फिर से जल्दी जल्दी ड्राई कर देती हूँ. ये ड्राई हो गया है. वील कम टू अ कलरिंग पार्ट नाउ. तो हम एक कलर विल मेक अ कलर हेयर. दिस इज माई फ्लैट ब्रश. आई टेक अ फ्लैट ब्रश हेयर नाउ. तो अब मैं इसके एजेस में कलर करूँगी हेयर. आई मेक अ कलर. आई मिक्स. आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर हेयर. I'm using a yellow acrylic. मुझे ज़्यादा सा कलर चाहिए सो थोड़ा सा डार्क और करेंगे. लिटिल मोर डार्कर एंड आई विल ऐड अ लिटिल ऑफ ब्लू. मैं इसको पहले बंद कर दूँ. वील डू इट ऑन द एजेस नाउ. थैंक्स भावना. होप यू ऑल आर लाइकिंग वट एवर आई एम डूइंग. नॉर्मली तो ऐसे ही कर सकते बट होता क्या इफ आई यूज माई ब्रश लाइक दिस तो यहाँ साइड्स में भी आ जाएगा. सो आई प्रिफर यूजिंग इट बिकॉज इट्स अ वेरी माइन्यूट डिटेलिंग. So I am using it like this and use a flat brush. I am using which number? 2 number of a flat brush. 2 number ka hai ye flat brush. So bas in sab kaam mein we need a little patience. Phir bhi sides mein aa gaya. गाइज प्लीज़ गो टू माई द क्राफ्टी फ्लेमिंगो पेज. आप मेरा वहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं. वॉट एवर आई क्रिएट मैं वहाँ डालती हूँ. और प्लीज़ लाइक करिए मेरे पेज को एंड इन्वाइट योर फ्रेंड्स एज वेल. वी आर मेकिंग अ सिंपल वन. दिस इज द most basic one, the simple. लास्ट टाइम के सेशंस अगर आपने ना देखे हों तो आप ईडी के पेज पर जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे नेहा अग्रवाल, तो आपको मेरे लास्ट टाइम वाले भी वीडियोस जो लाइव सेशंस मैंने लिए थे वो आपको नज़र आ जाएंगे.
because it is saved there. So उसमें भी मैंने कुछ अलग चीजें करी थी. I will come tomorrow as well with something new. At the same time, 4:30. This ED page, Enterprising Divas का जो page है, it is such a wonderful opportunity, you know, showcase our talent. Nidhi has given us, and she is such a nice, you know, person. Her query, जो कुछ भी शुरू शुरू में queries थी register कराने के लिए या जो भी है, so I was like, she was always there to help me out. I find doing this art a very good stress reliever. शुरू शुरू में जब lockdown हुआ था तो you know जिस दिन थोड़ा थोड़ा शुरू किया कि चलो ठीक है I'm getting time so let's you know do more and more. Then it started growing on me this art. So अब जिस दिन मैं नहीं करती हूँ थोड़ा सा भी चाहे मुझे थोड़ा सा भी time मिले I try to do it. थोड़ा भी कुछ कि कोई अगर मुझे कुछ बनाना है तो उसका बेस बना के रख दिया रेडी करके रख दिया. कोई अगर मुझे किसी को किसी बेस पे कुछ ये टिश्यू या पेपर डेकोपाज लगाना है तो वो सेलेक्ट करके रख लिया. सो कुछ भी ना करूं किसी भी दिन तो अब ऐसा लगता है कि यू नो आई एम मिसिंग समथिंग. सो अब इतनी ज्यादा आदत हो गई है. Whenever I get time, in fact अभी तो time है. My kid is also quite मतलब he is young, he is just 5.5 years old, so उसको भी time देना होता है. But yes, those online classes का भी headache नहीं है उसका, so I get more time. In fact he also helps me out, कहता है दिखाओ मम्मा मैं आपका base कर दूँ. This that I do this na primer gesso, so he helps me doing that. See these edges are done. I'm thinking to do it here as well. ये जो अंदर की handles हैं. थोड़ा सा इसमें पेशेंस चाहिए होता है आराम आराम से करने के लिए बिकॉज इट्स अ वाइट बेस. तो वाइट में होगा क्या इधर उधर कलर लग गया तो फिर उसको अगेन यू नो कोटिंग करो वाइट की एंड इट विल टेक टाइम.
बहुत सिंपल टेक्निक मैं यूज कर रही हूँ. लॉट और नॉट, मतलब कितना ही एक्सप्लोर कर लो, नॉट ओनली डेकोपाज, देर आर सो मेनी आर्ट फॉर्म्स. कितना ही एक्सप्लोर कर लो, लगता है अच्छा ये भी कर लो, अच्छा ये भी सीख लो, लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो. एंड देर इज अ क्राफ्टर जो हमेशा कहती हैं, शी इज अ वेरी यू नो रिनोड एंड बिग क्राफ्टर, कि कुछ नया नहीं किया तो क्या किया. सो आई ट्राई यू नो एक्सपेरिमेंट एंड डू न्यू थिंग्स विथ अदर आर्ट फॉर्म्स एज वेल. कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं. सी इट्स डन दिस ग्रीन कलर, बट नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू, थोड़ा सा मैं इसमें येलो और मिलाऊंगी. एंड ब्लू, थोड़ा सा डार्क डार्कर कलर में दूंगी इसको. एंड देन नाउ अगर आप यू नो इफ, वैसे तो इस अब मैं इसमें डॉट्स दूंगी. सो आई विल बी यूजिंग द बैक ऑफ माई ब्रश, जिसमें थोड़ा सा पॉइंटी हो, पतला हो, नॉट वेरी थिन. नो आई विल यूज दिस वन ओनली, आई हैव लॉट ऑफ ब्रशेस, सो आई एम जस्ट चेकिंग. ये वाला आई विल टेक दिस वन, इसका पतला है पीछे का. सो आई विल डू सम डॉट्स हेयर, पहले मैं बीच में कर लेती हूँ रैंडम एनी वेयर. कहीं बड़े कहीं छोटे, रैंडम डॉट्स आई एम गिविंग. आई विल क्लीन इट वंस, उसके चारों तरफ लग गया कलर. Me and my son are alone today in the afternoon and he is getting restless now. Because mama is busy. Oops. Thoda sa ye fail gaya. Thank you.
cleaning my, you know, this thing again and again. I hope you can see. बहुत ज़्यादा नहीं करते बट आई वॉज प्लानिंग टू डू इट एट द आउटर साइड ऑल्सो. टाइम इज रनिंग. Trying to do it fast because it's a very, you know, minute work. बहुत बारीक काम है, so it is taking time. I think I'll do it at two sides only. चारों तरफ नहीं करते, सब जगह डॉट्स डॉट्स हो जाएंगे. If you want, मैं तो कलर से डॉट कर रही हूँ. देर आर यू नो 3D आउटलाइनर्स आते हैं मार्केट में. अब तो पहले तो ब्लैक और वाइट ही आते थे, अब दैट पर्ल काइंड ऑफ वाइट कलर, और अब तो बहुत अलग अलग कलर्स में आने लगे हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. इट विल गिव अ 3D इफेक्ट.
I hope you are liking the outcome. इसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे एंड देन वी आर डन. सो यहाँ ज़्यादा हो गया, सो हम थोड़ी सी कम कर देती हूँ मैं. आई विल फिल लिटिल बिट मोर हियर. सो इट्स डन. आप इसको फटाफट से सुखा लेते हैं, टाइम इज रनिंग, सो दैट इसमें हम फाइनल कोट कर सकें. अभी काफ़ी गीला है ये बॉक्स में. आई वॉज थिंकिंग कि मैं इस पर आपको वॉर्निश भी करके दिखाऊं, बट आई थिंक इट विल टेक मोर टाइम. दीज डॉट्स विल टेक मोर टाइम टू यू नो गेट ड्राई, बिकॉज अगर वॉर्निश पे भी तो सब कलर्स फैल जाएंगे. वार्निश हम अभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं वार्निश करूं, बट ये जो डॉट्स हैं ये अभी
थोड़े गीले हैं, इट विल टेक टाइम सूखने के लिए. तो सो आवर ट्रे इज रेडी अपार्ट फ्रॉम द वॉर्निश पार्ट. आई होप यू लाइक दिस ट्रे. अ वेरी सिंपल बेसिक वाइट बेस लिया इस बार मैंने, एंड आई टेल यू ट्रूली वाइट बेस किसी भी, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने किसी भी ट्रे के लिए वाइट बेस यूज किया है. अदरवाइज मोस्टली सब यू नो विद डिफरेंट कलर्स होते हैं. सो आवर ट्रे इज रेडी. आई विल शेयर अ पिक्चर आफ्टर डूइंग अ द वॉर्निश. वॉर्निश करने के बाद आई विल शेयर अ पिक्चर ऑन इन द ग्रुप, ईडी के ग्रुप में. सो आई होप यू लाइक इट. प्लीज मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, बताइए कि हाउ डू यू लाइक इट. एंड आई होप यू फाइंड इट ईजी टू डू इट एट होम. आप इसको अपनी घर की कोई पुरानी ट्रे को भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे ही चीज़ों में. जो सामान है वॉट एवर आई यूज इट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. सो आप ऑनलाइन बहुत सारी क्राफ्ट वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं. इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें अमेजोन पर भी आपको मिल जाएंगी. सो दिस इज़ अ फाइनल ट्रे. सो आई होप यू लाइक इट. And please like my page, The Crafty Flamingo is my page. आपको वहाँ पे मेरे बहुत सारे products दिखेंगे, whichever I make. So please like and share and comment on my page. Give me reviews there. So this is, I have made another tray. In fact, आज मैंने शेयर भी किया था ईडी के पेज पे लाइक दिस. सी दिस इज़ द ट्रे दैट आई मेड. आई एम शोइंग यू एज अ सैम्पल. मैंने ये आज ग्रुप में भी शेयर किया है ईडी के पेज पर. मॉर्निंग में मैंने इसका पोस्ट शेयर किया है. आई हैव डन सम स्टेंसलिंग हेयर. आई विल शो यू सम अदर डे इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ वुडन ट्रे. दिस इज अ स्मॉलर साइज बट देन येस, इस पर भी मैंने डेकोपाज ही किया है. So this is also one of the tray that I have made. I will be posting more, one or two more trays next 3 days. और भी बहुत सारे items हैं, products हैं जो मैंने बनाए हैं. I will be sharing. Please keep on checking. And those are wonderful gift for your friends, for your you know, for this festival season to give. So thank you so much for watching everybody. Thank you so much. So please let me know how do you like it. Itna please comment karke bataiye mujhe. Thank you so much. Have a great day ahead. Bye bye.